ये है एशिया का सबसे बड़ा माउंटेन रॉक प्लेस, मतलब कि एक ऐसी पहाड़ी जगह जहाँ के चट्टानों से बहुत ही कमाल के अलग अलग तरह की चीजों को बनाई जाती है। सबसे पहले इन चट्टानों को फैक्ट्री में लाकर एक बड़े कटर मशीन की मदद से इनके अंदर होल करके खोखला कर दिया जाता है। उसके बाद ड्रिल मशीन की मदद से इन चट्टानों को अलग अलग शेप दे दिया जाता है। फिर पानी से साफ करने के बाद बन के निकलते हैं कुछ ऐसे कमाल के घर में इस्तेमाल करने वाले रॉक फर्नीचर, मतलब कि चट्टानों से बने हुए खूबसूरत फर्नीचर जिनका लाइफ लगभग 500 से 1000 साल का होता है, क्योंकि ना ही इनमें जंग लग सकता है और ना दीमक, और यहाँ तक कि ये इतने मजबूत होते हैं कि इन्हें कोई तोड़ भी नहीं सकता। देखो, आप लोगों ने आज से पहले पत्थर की बनी हुई टेबल नहीं देखी होगी जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखो, चाइना के अंदर जो है इस तरीके की टेबल बिकती है, और ये टेबल किस चीज से बनती है, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना पहाड़ के, उसको लाया जाता है और मशीन के द्वारा इसकी कटिंग की जाती है। बाद में कटिंग करके जो है इसके अंदर एक ढाल दिया जाता है किस तरीके से इसको तैयार करना है, और बाद में देखो ये इस पर पॉलिश किया जाता है, इसकी फिनिशिंग की जाती है। फिनिशिंग होने के बाद इसको देखो किस तरीके से बनाकर रेडी कर देते हैं, और ये इतना मजबूत होता है कि ये जो है 100 साल 50 साल ये कहीं नहीं जाने का, खराब ही नहीं होने का। और इस पे जो है आप लोग आराम से कुछ खा भी सकते हैं, और इसके साइज के जो है खाने के एक वॉशरूम की तरह होते हैं जिसमें हम हाथ धोते हैं, और इसमें जो है बर्तन भी काफ़ी अच्छे धुलते हैं, खाना भी अच्छा खाया जाता है, पानी भी अच्छा रखा जाता है, और ये दिखने में जब बनकर रेडी हो जाता है तो ये कितना खूबसूरत लगता है। ये 100 साल 50 साल ये कहीं नहीं जाने का है, जाने कहीं ना तो इससे अमर रहेगा। इससे तो अगर हम इसको ना तोड़ेंगे तो ये ऐसे ही रख रहेगा, जब तक इसे कोई तोड़ेगा ना, तो जब तक ये जो है टूटने का नहीं है। अगर इसको हम ऐसे ही रखे रहेंगे तो ये कभी टूटने का नहीं है, क्योंकि ये पत्थर से बनाया गया है, ना कोई लकड़ी से बनाया गया है, ना लोहे से बनाया गया कि लोहा गल जाएगा, लकड़ी गल जाएगी, लकड़ी को दीमक लग जाएगी, पर ये जो है पत्थर से बनाया गया है। अब आप लोग खुद देख लोगे चाइना देश के अंदर, यार देखो चाइना के लोग जो है ना कुछ अलग करते हैं, ऐसा करते हैं कि जो कोई नहीं करता हो। अब बताओ बड़े बड़े पत्थर को लाकर इन्होंने कैसी टेबल बनाई है, और कितनी वीआईपी लग रही है। अगर इस टेबल को ये चाइना के लोग किसी बढ़िया कंपनी को बेचेंगे ये वाला ब्रांड, तो कितना महंगा बेचेगा कंपनी, इससे कितना मुनाफा कमाएगा, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी इसी चीज़ को तो लेती हैं, क्योंकि उनको फ़ायदा होता है, क्योंकि जो बड़े बड़े लोग होते हैं कुछ अलग खरीदते हैं, अलग लेते हैं, तो अगर ये कंपनी को बेचेंगे तो इसमें कितना फ़ायदा होगा, कितना अच्छा बिकेगा, क्योंकि ये ना कभी टूटने वाली चीज़ है। देख लो आप लोग चाइना देखो कितना आगे की सोचता, क्या क्या चीज़ बनाता, हमने कभी सोची भी ना होगी, ना हमने कभी देखी होगी, वो चीज़ बनाता चाइना। अब देख लो आप लोग, कभी देखिए आप लोगों ने इतनी बड़ी पत्थर की टेबल जो काफ़ी सुंदर दिखाई देती है, जिस पर हम खाना भी खा सकते हैं, जिसके अंदर हम पानी भी डाल सकते हैं, और जो काफ़ी अच्छी लगती है, जो कभी टूट नहीं सकती, कभी आप लोगों ने देखी है? अगर देखी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना, और ऐसी इंटरेस्ट वीडियो देखने के लिए अपने भाई को फॉलो कर लेना। थैंक यू गाइज़।